कबीर दास का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भैर। स्कूलों का ले लो, चारों तरफ किसान परेशान है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। आके दरवाजे लेके गया था पांच कालीदास मार्ग, और मुख्यमंत्री बाहर निकल के आए थे, नंगे पैर आए थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था किसी को कोई रोका नहीं जाएगा, आज हमारे दरवाजे हमारा भगवान आया है। हम बीमार मरीजों का, सरकारी प्राइवेट स्कूलों का, जिस वो अस्पतालों का, जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार, मरी हुई लाशों को चार चार दिन के बाद छोड़ा जाता है। फोर पी एम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों को लेकर के तमाम सारी योजनाएं लाते हैं ग्राउंड स्तर पर और तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात भी करते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ नज़र अगर लगाएंगे तो देखेंगे किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान की। हमेशा जो मांगे जो इनके द्वारा जो रखी जाती है, आखिर में होता क्या है? सिर्फ आश्वासन, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हमारे साथ हरनाम जी बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक प्रदेश अध्यक्ष जी। हम बात करेंगे तमाम सारी समस्याओं को लेकर के, सरकार बात करती है फेवर में लेकिन कोई रिजल्ट फेवर में निकलता नहीं है। देखो, ऐसा हमारे ऊपर एक आरोप लगता है, एक किसान नेता है वो लगाते हैं कि हम सरकारी हैं और वो सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम आज राजधानी में बैठे हैं, गन्ना किसानों की समस्या, चकबंदी किसानों की समस्या, शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है उसकी समस्या, बीमार मरीजों का, सरकारी प्राइवेट स्कूलों का, जिस वो अस्पतालों का, जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार, मरी हुई लाशों को चार चार दिन के बाद छोड़ा जाता है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पशुओं का टीकाकरण ले लो, बाढ़ पीड़ित किसानों का ले लो, स्कूलों का ले लो, चारों तरफ किसान परेशान है लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम मजबूरी में यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी गन्ना संस्थान में अपनी बात कहने आए हैं और आज आश्वासन नहीं, आज कुत्ताएं करके जाएंगे। लेकिन हमेशा तो रिजल्ट यही निकलता है, मौखित बोल देते हैं, कोई रिजल्ट आप लोग के फेवर में नहीं रहता। अभी आपकी घड़ी में हमको लगता है 2 बजा है, 3 बजे का आप इंतजार करो। अगर 3 बजे तक सरकार, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी मिलने का समय नहीं देते हैं, समस्याओं के समाधान का रास्ता अगर नहीं निकालते हैं, तो आज किसान पांच कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री से मिलने जरूर जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राजधानी का मैं इतिहास आपको बता दूं, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैल लक्ष्मण झूला मेला पार्क से राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं ही वो व्यक्ति था। हमारे एक साथी आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं ही राजनाथ जी के दरवाजे लेके गया था पाँच कालीदास मार्ग, और मुख्यमंत्री बाहर निकल के आए थे, नंगे पैर आए थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था किसी को कोई रोका नहीं जाएगा, आज हमारे दरवाजे हमारा भगवान आया है। हम आज मुख्यमंत्री के दरवाजे जाएंगे तो संत आदमी है, ये तो सबको प्रसाद देते हैं, जुआरी हो, भिखारी हो, चोर हो, नंगा हो, लुच्चा हो, सबको प्रसाद देते हैं। आज किसान भी इनसे अपना प्रसाद लेने के लिए जा रहा है। आज अगर हमारी बात को सुना नहीं गया तो आर पार की लड़ाई होगी। हरनाम जी, बीते समय में देखा गया तमाम सारी उत्तर प्रदेश की जो पुस्तिकाएं निकली, सरकारी पुस्तिकाएं, उसमें आपकी तस्वीर लगाई गई और आपको जानते अपने फेवर में लाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ देखी जाए किसानों की तमाम सारी समस्याएं होती है, आप उनके फेवर में खड़े कर रहते हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे ऐसे बरगलाने की कोशिश करते हैं? देखो, कबीर दास का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भैर। इसी से आप निकाल लेना कि हमारी कोई तस्वीर लगा रहा, कोई कुछ कर रहा है। हमारी सोशल मीडिया पे, दुनिया भर में, प्रेस में 38 साल का हमारा अपना किसान सेवा का इतिहास है, किसी के पास होगी कोई फ़ोटो लगा लिया, उसके लिए हम क्या करें? लगा रहे हैं, लेकिन मैंने जो दोहा कबीरदास का कहा है वो ये प्रत्येक आदमी मान के चले, मेरा किसी से नहीं, मेरा ये ज़मीन पे बैठा जो किसान, मजदूर, व्यापारी, पीड़ित वंचित लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, हम उनके साथ हैं। हम किसी के नहीं हैं, हम उस दबी आवाज़ के व्यक्ति हैं जिसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। हरनाम जी, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, कई सारे लाभ पहुंचाने की बात की गई, लेकिन कुछ भी ग्राउंड स्तर पर है नहीं आप लोग के फेवर? नहीं, ग्राउंड स्तर पर होता तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार को कौन अधिकारी चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या हो रहा है। आज
गांव में टीकाकरण पशुओं को होता था, टीकाकरण नहीं हो रहा। बाढ़ से जो जानवरों पानी में रहे, नमी के कारण उनको खुरपका रोग हो रहा है। और सरकार ने कहा था कि हम पोलोथीन किसी कीमत पे नहीं चलने दे रहे हैं। सरकारी एसडीएम और जिला अधिकारी जो है पोलोथीन के अंदर चार चार और आलू की दो दो गोटी रख के जो है पोलोथीन के अंदर पैकेट बांटे जा रहे हैं। तो सरकार तो अपने गिरेबान में झांके कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। किसानों ने डीएपी के रेट की आप लोगों ने बात की, डीएपी की खाद जो थी वो कम कर दी गई, रेट वही है। देखो, यूरिया का 50 किलो का कट्टा, उसको 45 किलो का कर दिया गया, लेकिन मार्केट में आज 350 से यूरिया का कट्टा कम नहीं बिक रहा। लेकिन सरकार, हम जानते नहीं हैं कि वो को नैनो के नाम से एक यूरिया की खाद आई है, उसको सरकार बेचवाने का प्रयास कर रही है। क्या कारण है मैं इसको समझने का प्रयास करूँगा। लेकिन नैनो यूरिया जितना हमारा ये दाने वाली यूरिया काम करती है उतना काम नहीं कर रही, और उसमें खर्चा भी अधिक आता है। मतलब घोटाला हो गया इसमें भी? नहीं, घोटाला होगा जरूर, घोटाले तो सबके खुलते हैं। जिसने जिसने किया होगा उसका भी खुलेगा, पहले जिन्होंने किया था उनके खुले हैं, अगर इन्होंने किया है तो इनके भी खुलेंगे। यहाँ दूर तक के मैं जब आ रहा था तो कई किसान बैठे हो जिनकी ज़मीन को लेकर बड़ी समस्या है, कई माफियाओं ने कब्जा कर लिया। आप हमेशा आंदोलन पर रहते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? तमाम किसान यहाँ सुन रहे हैं। किसान जो बड़ी उम्मीदें होती हैं आपसे। हाँ, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और नोएडा, इलाहाबाद, जो अयोध्या जो विकसित शहर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके की समस्याएं दिखाई देती हैं। हम उनके साथ हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई भी इस तरीके की समस्या हमारे सामने आती है तो हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए। सरकार SCR लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर घोषित करने के पहले, SCR घोषित करने के पहले अगर सर्कल रेट नहीं बढ़ाया तो हम सर्कल रेट को मानने को नहीं तैयार हैं। सर्कल रेट के अलावा कई लोगों की ज़मीन औने पौने दामों पर ली गई सरकारी योजनाएं ला करके, उनके लिए भी आप हमेशा प्रदर्शन रहते हैं। हाँ, एक आंदोलन हमारा इलाहाबाद में यूपीडा का एक गांव है, वहाँ चल रहा, 25 तारीख को वहाँ कमिश्नरी का घेराव है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यूपीडा सरकारी संस्था है, वो अपनी कार्यशैली में सुधार कर लें। जिस तरीके से ज़बरदस्ती वो अधिग्रहण करके ज़मीन लेना चाहते हैं, वो प्रदेश में होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हरनाम जी को आप सुन रहे थे, लगातार आंदोलित रहते हैं किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर के। किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं रहती है, सरकार अपनी योजना ला करके औने पौने दाम पर इनकी ज़मीनें खरीद लेती है, और या फिर इनकी ज़मीन के इनको सही रेट नहीं मिल पाते। तो सर्किल रेट को लेकर के साफ तौर से कहा है कि अगर सरकार सर्किल रेट अगर नहीं बढ़ाती है तो ये उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। और दूसरी चीज, तमाम सारी समस्याओं को लेकर के आज राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान का घेराव किया है। कुछ ही देर में कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास तक भी जाएंगे, अगर कोई ठोस आश्वासन या ठोस कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं उषितेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।